का आदेश था, पुलिस ने एक रिपोर्टेशन दिया था जिसके आधार पर सिवान जेल में थे तो उनकी केसी आज हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूँ आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। पूर्व बाहुबली शहाबुद्दीन के बेटे उसामा इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने अपने बहनोई के घर तोड़फोड़ की थी और गोलियां भी चलाई थी। इस मामले में आज मोतिहारी कोर्ट में उनकी पेशी होनी थी। उन्हें पेशी के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच मोतिहारी कोर्ट ले जाया गया, जिसपे कोर्ट ने आज क्या कुछ कहा है बताते नजर आ रहे हैं उनके वकील। हम आपको सुनाते हैं क्या कुछ कोर्ट में आज इस मामले को लेकर कहा गया है। रुकिए और मत करिए, कोर्ट में आज उसामा की पेशी हुई है। हाँ, पेशी हुई है क्योंकि न्यायालय का आदेश था, पुलिस ने एक रिपोर्टेशन दिया था जिसके आधार पर सिवान जेल में थे तो उनकी पेशी आज हुई है। आज डेट फिक्स था, इसके पहले 20 तारीख को डेट था तो पेशी नहीं हो पाई थी, तो आज पेशी हुई है। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने उनको रिमांड किया इस केस में, चूँकि नेम्ड FIR था इसलिए कोर्ट ने रिमांड किया इस केस में, जो टाउन का केस है उसमें रिमांड किया। और अगली तारीख मिला, अगला तारीख नहीं, अगली तारीख चूँकि इन्वेस्टिगेशन में केस है अभी, उसामा का अपीयरेंस की कोई आवश्यकता नहीं, केवल रिमांड हुआ और रिमांड होने के बाद वह बैक हो गया, चूँकि वहाँ के कोर्ट का यह आदेश था कि नियत तिथि को वहाँ सिवान जो कोर्ट है वहाँ प्रस्तुत कर। तो उन्हें पुनः वापस सिवान भेज दिया गया। हाँ, क्योंकि वहाँ के न्यायालय का एक आदेश था कि उनको अप्रोप्रिएट डेट पर वहाँ प्रोड्यूस किया जाए, इसके लिए उन्हें वापस कर दिया गया। चूँकि इन्वेस्टिगेशन स्टेज में यहाँ केस है, यहाँ उनकी आवश्यकता थी नहीं, केवल रिमांड करनी थी तो रिमांड होके वापस चले गए थे। आपने पूर्व बाहुबली सांसद उसामा के बेटे के वकील को सुना। आज मोतिहारी कोर्ट में उनकी पेशी होनी थी, उनके वकील ने रिमांड को लेकर जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि आज उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी, बस उन्हें आज इस मामले में कोर्ट में पेश होना था। साथ ही उन्होंने कहा कि बीते 20 तारीख को इस मामले में पहले सुनवाई होनी थी, उसामा की पेशी होनी थी, लेकिन उस दिन उनकी पेशी नहीं हो सकी, जिसके बाद आज मोतिहारी कोर्ट में उनकी पेशी हुई। कड़ी सुरक्षा के बीच उसामा को कोर्ट ले जाया गया और उन्हें रिमांड पर रखा गया है। और अब उनके वकील क्या कुछ कहते नजर आए इस पूरे मामले में, ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।